पश्चिम बंगाल से चुनाव प्रचार कर लौटे एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, पश्चिम बंगाल की तस्वीर साफ है, दो बातें खुलकर आ रही हैं, भाजपा आ रही है और तृणमूल जा रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, अकेली बीजेपी ही ऐसी पार्टी है जो अपने विधायकों के निरंतर संपर्क में रहती है, उनका ज्ञानवर्धन कर फीडबैक लेती रही है और कांग्रेस पार्टी को सिर्फ चुनाव के समय कार्यकर्ता याद आते हैं। आज होने वाली कांग्रेस की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के शामिल ना होने पर उन्होंने तंज कसा और कहा, मैंने पहले ही कहा था कि जिस तरह से कमलनाथ जी ट्विटर पर आते हैं वैसे ही आया करेंगे। पश्चिम बंगाल को लेकर उन्होंने कहा, दो बातें साफ हैं, एक तो भाजपा आ रही है और दूसरी तृणमूल जा रही है। अकेली भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क में रहती है, उनके ज्ञानवर्धन के लिए, उनसे फीडबैक लेने के लिए सतत प्रयास करती है। सत्र से इसका कोई संबंध नहीं है, हमारी लगातार बैठकें चलती हैं। कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं है कि उन्हें चुनाव पर ही कार्यकर्ता याद आते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि कमलनाथ जी अब जैसे ट्विटर पे आते हैं ऐसे ही आया करेंगे, उसके बाद चले जाया करेंगे। वर्तमान में विदेश में है, आ जाएंगे। वाकई स्थिति तो आप लोगों के माध्यम से खूब खुल के आ रही है। ये तय है कि भाजपा आ रही है, ये तय है कि तृणमूल जा रही है, दो बातें तय है, बाकी प्रयास है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।